हेलो एवरीवन। सो आज एक डाटा आया है। इस डाटा में यहाँ पर फिस्कल डेफिशिट की बात की गई है। फिस्कल डेफिशिट सबसे पहले समझते हैं कि क्या होता है, उसके बाद इस न्यूज़ पे आएंगे। फिस्कल डेफिशिट बेसिकली एक ऐसा डेफिशिट है जो कि यहाँ पर क्रिएट होता है गवर्नमेंट जब थोड़ा ज़्यादा खर्चा कर देती है जबकि उसको उतना रिवेन्यू अर्न नहीं हो रहा है। यानी कि गवर्नमेंट ने सभी चीज़ों के ऊपर जो एक्सपेंडिचर है दैट इज़ मोर देन द रिवेन्यू विच इट इज़ जनरेटिंग। तो सिंपल भाषा में, सरल भाषा में फिस्कल डेफिशिट इसी को कहते हैं। अब जो फिस्कल डेफिशिट होता है यानी कि डेफिशिट है यानी कि कमी है, इस चीज़ को पूरा कैसे किया जा सकता है? अब ऑब्वियस आप ये सोचोगे सर रिवेन्यू ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब रिवेन्यू आया नहीं, गवर्नमेंट ने खर्चा कैसे ज़्यादा कर दिया? तो ये चीज़ की जाती है उधारी लेकर। भाई साहब उधारी लेती है, हमने बहुत बार पढ़ा है कि वहाँ से वर्ल्ड बैंक से इतना पैसा आ गया, IMF से इतना पैसा आ गया, तो वही चीज़ दैट इज़ नोन एज दी बोरोइंग्स, बोरोइंग्स डन बाय द गवर्नमेंट। तो फिस्कल डेफिशिएट को यहाँ पर कमी जो है वो पूरी की जाती है बोरोइंग से, यानी कि उधार लेकर खर्चा करना पड़ता है और खर्चा किया जाता है। तो यहाँ पर आज फिस्कल डेफिशिएट का एक डाटा आया है जो कि यहाँ पर निर्मला सीतारमन जी ने अपने बजट में यहाँ पर एक एस्टिमेशन दिया था और उन्होंने कहा था जो फिस्कल डेफिशिएट आएगा वो आपका GDP का 6.9% रहेगा। ये प्रोजेक्शन था उनका ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021, जो आपका फाइनेंशियल ईयर पिछला था उस दौरान की उन्होंने यहाँ पर बात की थी, 21 और 22 की बात की थी। मैंने फाइनेंशियल ईयर गलत बता दिया, फाइनेंशियल ईयर 21 और 22 जो अभी बीत चुका है 31 मार्च 2022 तक वो था फाइनेंशियल ईयर। लेकिन जो एग्जैक्ट आज की डेट में डाटा मिला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से और उस डाटा में यहाँ पर थोड़ी सी कमी देखने को मिली है। चलो पॉजिटिव न्यूज़ है ये आपकी कि वो डाटा 6.9 जो प्रोजेक्ट किया गया था वो वही नहीं रहेगी, प्रोजेक्शन वो है अब 6.7%। ये प्रोजेक्शन नहीं है, ये प्रोविजनल डाटा आ चुका है। तो यानी कि 6.7% आपका GDP जो है, 6.7% ऑफ द GDP हमारे इंडिया का फिस्कल डेफिशिट है अगेंस्ट दी 6.9% जो कि प्रोजेक्टेड था। और अगर मैं वैल्यू की बात करूं, वैल्यू एग्जैक्ट आपको बता देता हूं, दैट इज 15,86,537 करोड़ अमाउंट, इतना अमाउंट हमारे इंडिया में फिस्कल डेफिशिट है। अब सोचिए कि तकरीबन 15,86,000 करोड़ रुपए भाई साहब उधारी ले रखी है हमने, इतनी उधारी चल रही है हमारे इंडिया की, पिछले साल इतनी उधारी ली है क्योंकि एक्सपेंडिचर को पूरा करना था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये न्यूज़ आपको समझ में आई होगी, काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल के साथ जुड़े रहेगा, बने रहेगा और डेली ग्रंटर्स की क्लासेस मेरी स्टडी नीति यूट्यूब चैनल पर आप फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं और साथ ही साथ मुझे अनअकैडमी पर ज़रूर फॉलो कीजिएगा जहाँ पर डेली रात को 10 बजे आपके लिए मैं करंट MCQs क्विजेज डेली ग्रंटर्स के लेकर आता हूँ। और साथ ही साथ आप अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर मेरी बैंकिंग अवेयरनेस की बहुत ही टॉप नॉच लेवल की क्लासेज आपके लिए चल रही हैं, उस क्लासेज को ज़रूर देखिए। बेसिक्स एडवांस की क्लासेस हैं आपकी और आपको पूरी बैंकिंग अवेयरनेस वहां पर A to Z मेरे एक्सपीरियंस के साथ समझ में आ जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके ज्वाइन कीजिए आज ही अकेडमी प्लस को ताकि आप यहां पर जो 20% हाइक होने वाला है कल से उससे आप बच सकें और फर्दर 10% डिस्काउंट के लिए आप कोड यूज कर सकते हैं SBI 10।